वेलकम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर्स में स्कैंडी स्टोरेज डिवाइसेस देखी थी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। आज जो हमने देखनी है स्कैंडी स्टोरेज डिवाइस, वो है फ्लैश मेमोरी। अच्छा, फ्लैश मेमोरी क्या होती है? एक चिप बेस्ड स्टोरेज मीडियम है जहाँ पे डाटा जो है इलेक्ट्रॉन्स की मदद से रीड या राइट किया जाता है। जैसे कि हमने SSD और SSD देखा था, जिसमें फ्लैश मेमोरी यूज़ होती है डाटा को, जिसके अंदर फ्लैश मेमोरी चिप लगाई जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हेल्प आउट करते हैं डाटा को रीड या राइट करने में? हमारे पास जो इसमें फ्लैश मेमोरी है, यहाँ पे मेमोरी सेल्स में डाटा को स्टोर करवाया जाता है। जो वो मेमोरी सेल्स क्या करते हैं, फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर, रीड या राइट करने के लिए। रीड राइट का मतलब है रीड करना, मतलब से स्टोर करवाना, राइट करना मतलब डाटा वहाँ से रिट्रीव करवाना। अच्छा, अब वो फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स किस तरह से हेल्प आउट करते हैं? जब उन फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप किए जाते हैं हाई वोल्टेज की मदद से, तो डाटा वहाँ पे स्टोर होता है। अब जो जब वो इलेक्ट्रॉन्स उन फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स में से जो है रिलीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पे डाटा, इसका मतलब हम वहाँ से डाटा को वाइप कर रहे हैं जब हमने उसे वाइप करना हो। तो बेसिकली जो फ्लोटिंग गेट पे जो चार्ज होता है उसकी जो है फ्लोटिंग गेट पे जो चार्ज होता है उसको चेक किया जाता है, ताकि स्टोर डाटा को क्या किया जा सके, रीड किया जा सके। बेसिकली हमने जब डाटा को स्टोर करवाना है, तब क्या होता है कि एक हाई वोल्टेज ट्रैप करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोटिंग गेट में, ताकि डाटा स्टोर हो। और जब डाटा वाइप करवाना हो, वही फ्लोटिंग गेट में से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होते हैं। और जब डाटा रिट्रीव करवाना हो यानी रीड करना हो, तो चार्ज जो है फ्लोटिंग गेट पे जो चार्ज है उसको चेक किया जाता है। बेसिकली हम फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर्स पे इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हम क्या करते हैं, अपना डाटा रीड राइट या वाइप करते हैं। ये हमारा पूरा जो फ्लैश मेमोरी है, चिप है, फ्लैश मेमोरी जो है वो इस तरह से काम करती है। अच्छा, अगर हम जो है बात करें फ्लैश मेमोरीज में, हमारे पास जो है कितनी टाइप्स की फ्लैश मेमोरी होती है? तो फर्स्ट है एम्बेडेड फ्लैश मेमोरी। एम्बेडेड फ्लैश मेमोरी का मतलब है जो इंटीग्रेटेड होती है किसी भी जो है कंप्यूटिंग डिवाइस में, जो मेमोरी इंटीग्रेट होती है वो हमारी होती है एम्बेडेड फ्लैश मेमोरी। ये एक स्मॉल टाइप फ्लैश मेमोरी चिप्स होती हैं जो कि हमारे स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में, स्मार्ट वॉचेस या रिस्ट वॉचेस में जो डाटा हम स्टोर करवाते हैं वो इन फ्लैश मेमोरी में स्टोर करवाया जाता है। तो हमारी इन डिवाइसेस के अंदर जो मेमोरी लगी होती है वो होती है फ्लैश मेमोरी, एम्बेडेड फ्लैश मेमोरी। अच्छा, अब फ्लैश मेमोरी जो है मोबाइल डिवाइसेस में एक प्राइमरी स्टोरेज होती है, जहाँ जो है डाटा को स्टोर करवाने के लिए कैन टेक द फॉर्म ऑफ स्मॉल SSD या मेमोरी कार्ड्स की फॉर्म में वो फ्लैश मेमोरी हो सकती है। जैसे कि हमारे पास फ्लैश मेमोरी कार्ड्स होते हैं, ये हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास मोबाइल की इतनी स्टोरेज ना हो तो हम ये फ्लैश मेमोरी कार्ड्स समटाइम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करवाने के लिए। फ्लैश मेमोरी जो है वो हम बेसिकली डाटा को स्टोर करवाने के लिए, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। अब फ्लैश मेमोरी कार्ड्स की बात करें, ये एक फ्लैश मेमोरी मीडिया है जहाँ पे जिसमें फ्लैश मेमोरी चिप्स होती है, एक कंट्रोल चिप होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं और मेटल कॉन्टैक्ट्स होता है। अब ये डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट शेप में मौजूद होती है, जैसे कि CF कॉम्पैक्ट फ्लैश, सिक्योरिटी डिजिटल, SD कार्ड, मेमोरी स्टिक, MS, ये जितने भी कार्ड्स वगैरह हैं ये हमारे डिजिटल कैमरास में, स्मार्टफोन्स में, पोर्टेबल डिवाइसेस में डाटा को स्टोर करवाने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या पोर्टेबल डिवाइसेस से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो SD कार्ड है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली फ्लैश मेमोरी कार्ड है, जो कि हमारे मोबाइल डिवाइसेस में भी हम यूज़ करते हैं और हमारे कैमरास वगैरह में डाटा को, कैमरास में फ़ोटो को स्टोर करवाने के लिए और बाद में उसको कंप्यूटर में शिफ्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी डिफरेंट साइज होते हैं, वर्जन होती हैं और कैपेसिटीज होती हैं।
अगर हम थर्ड पे बात करें, हम थर्ड फ्लैश मेमोरी की बात करें, तो वो है हमारी यूएसबी फ्लैश ड्राइव, जो कि मोस्टली हम कंप्यूटर से के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि कंप्यूटर से कुछ डाटा हम यूएसबी में स्टोर करवा सकें। कंप्यूटर में एक स्पेशल यूएसबी पोर्ट होती है जहाँ पे ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स लगाई जाती हैं। जो है ये डिफरेंट फॉर्मेट्स में भी ये भी अवेलेबल होती है, बैकपैक्स में, पेंस में, वॉलेट्स में, या कस्टम शेप्स में। ये हमारे पास फ्लैश मेमोरी फ्लैश ड्राइव्स, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स अवेलेबल होती हैं। ये लो प्रोफाइल यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी होती हैं, माइक्रो यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी, जो लो प्रोफाइल होती हैं वो इसलिए कंप्यूटर के लिए ही डिज़ाइन की जाती हैं ताकि वो ऑल टाइम जो है वो कंप्यूटर में हैं। जो माइक्रो यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, जो स्मार्टफोन या अदर मोबाइल डिवाइसेस में माइक्रो यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम जो है इंसर्ट करते हैं ताकि डाटा को वहाँ पे स्टोर करवाया जा सके फॉर लेटर यूज़, या फिर एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए। बेसिकली जो फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस हैं, हमारे पास फ्लैश मेमोरी है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनका पर्पज़ यही होता है कि एक डाटा को एक जगह से दूसरी जगह हम जो है ट्रांसफ़र कर सके और या लेटर यूज़ के लिए हम डाटा को इसमें स्टोर करवा सकें। इसमें जो एम्बेडेड फ्लैश मेमोरी होती है, ये एक ऐसी फ्लैश मेमोरी होती है हमारे मोबाइल डिवाइसेस के अंदर जो एज ए मोबाइल डिवाइस में एक एज ए प्राइमरी स्टोरेज जो है वो यूज़ की जाती है। तो सारी की सारी जो फ्लैश मेमोरी है, बेसिकली वो हमारे डाटा को इलेक्ट्रॉन्स की मदद से स्टोर करवाती है, वाइप करवाती है या रिट्रीव करवाती है। मैं अगेन बता दूं कि इनमें जो है फ्लोटिंग पॉइंट ट्रांजिस्टर्स होते हैं, अगर जिनकी मदद जिन पर डाटा जो है, अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर उनमें ट्रैप हों तो वो डाटा को स्टोर करवाते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसमें से रिलीज हों तो वो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब वो वाइप जो है वहाँ से डाटा को वाइप करवा रहे हैं। और थर्ड पे अगर जो है वहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पे हम फ्लोटिंग गेट पे क्या करते हैं, फ्लोटिंग गेट पे चार्ज चेक करते हैं अपने जो डाटा को, स्टोर डाटा को रीड करवाने के लिए। तो ये थी हमारी फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस।